क्या आप भी विदेश जाना चाहते हो, अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, अच्छी सैलरी भी जाना चाहते हो, कम से कम सर्विस चार्ज में जाना चाहते हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा डायनामिक ऑफिस के बारे में जो विदेश भेजने का काम करती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डायनामिक ऑफिस के बारे में जो विदेश भेजने का काम करती है। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम विदेश जाना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा ऑफिस बताओ जहाँ से हमें अच्छी कंपनी का वीजा मिल जाए और जहाँ पे हमारा कम से कम सर्विस चार्ज लगता हो और जहाँ से हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको डायनामिक ऑफिस के बारे में बताऊंगा जो विदेश भेजने का काम करती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ डायनामिक ऑफिस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ डायनामिक ऑफिस के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायनामिक स्टाफ सर्विसिंग ऑफिस के बारे में। डायनामिक स्टाफ सर्विसिंग का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस मुंबई, कोची, चेन्नई और वडोदरा में। बहुत ही पुराना ऑफिस है, बहुत ही अच्छा ऑफिस है। दोस्तों चारों ऑफिस का एड्रेस आपको वीडियो में मिल जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो भी ऑफिस आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हो, आप लेबर से लेके इंजीनियर तक की कैटेगरी में जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑफिस है, बहुत पुराना ऑफिस है, आप इन पे 100% विश्वास कर सकते हो। आपको अच्छी कंपनी में भेजा जाएगा, आपको अच्छी सैलरी पे भेजा जाएगा और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा और आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगेगा। आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई करते हो तो आपका 30-40 हज़ार रुपये में काम हो जाता है, 30-40 हज़ार रुपये में आपको वीजा टिकट दोनों मिल जाता है। और दोस्तों डायनामिक ऑफिस के पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, इनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी की वैकेंसी आती रहती है। डायनामिक ऑफिस के पास कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसी आती है, पावर प्लांटों की वैकेंसी आती है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है, हॉस्पिटल लाइन की वैकेंसी आती है और भी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। और इनके पास गल्फ देशों की वैकेंसी आती रहती है, यूरोपीय देशों की वैकेंसी आती रहती है। अगर आप गल्फ देशों में जाना चाहते हो गल्फ देशों में जा सकते हो, और आप यूरोपीय देशों में जाना चाहते हो तो आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। आप गल्फ देशों में जाना चाहते हो, यूरोपीय देशों में जाना चाहते हो तो आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। और आप लेबर से लेकर इंजीनियर तक की कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हो, इनके पास हर तरह की वैकेंसी आती रहती है, आप डायनामिक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत पुराना ऑफिस है। और दोस्तों आप कभी भी विदेश जाते हो तो आप एजेंटों के चक्कर में ना पड़ा करो। जो गाँव के छोटे एजेंट होते हैं या जो छोटे शहरों के छोटे एजेंट होते हैं वो कभी कभी फ्री वैकेंसी होती है उसके भी हमसे 1-1.5 लाख रुपया ले लेते हैं और हमारे को ऐसी जगह फंसा देते हैं जहाँ पे हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारा टाइम खराब होता है, हमारा पैसा बर्बाद होता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी विदेश जाते हो तो आप जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस है वहाँ से अप्लाई किया करो। वहाँ पे आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगेगा और आपको अच्छी कंपनी में भेजा जाएगा और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए आप एजेंटों के चक्कर में ना पड़ा करो, डायरेक्ट ऑफिस में जाओ जिनके पास गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस है, उस ऑफिस में जाओ, वहाँ से अप्लाई करो। और दोस्तों आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप राजस्थान से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, पंजाब से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, आप कौन से स्टेट से वीडियो को देख रहे हो कॉमेंट करके बताओ, ताकि आपके नज़दीक जो भी अच्छा ऑफिस होगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको डायनामिक ऑफिस के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।